बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम खजाना साहब, आपने बड़ी मुरस्सा बातें की और मैं इस बात का यकीन कायल हूँ और मुझे खुशी हुई कि इन्होंने जो ये कहा हमारी भाभी संजीला साहिबा के लिए, उन्होंने और फैमिली के तमाम मेम्बरान ने मदद की। आप सब जानते हैं एशियन अमेरिकन सोसाइटी के नाम से मैं भी 25 साल से सोसाइटी चला रहा हूँ कि फैमिली को किस कदर उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मेरी वाइफ भी यहाँ बैठी है, तो वाकई खवातीन और बच्चों का और ख़ास तौर पर दोस्तों का ऐसी महफिलों में इनाकाद करने में बड़ा हाथ होता है। और खाली यही नहीं बल्कि किताबें खरीदने और मजीद लिखने में भी उनकी जेब का उनके साथ का पूरा पूरा ख्याल रखा है। तो मैं समझता हूँ जो उन्होंने एक सस्पेंस रख दिया है किताबों के तबासात न पढ़कर, कि आप ज़रूर खरीदें और आखिर जाके देखें कि यहाँ 25 आदमियों ने जो इस बारे में तारीख और तौसीफ के जो दौरे बताए हैं अगर इसके अंदर है क्या। तो उम्मीद है किताबें जो है लेके जाएंगे। अब मैं आप हजरात से ये गुजारिश करता चलूँ, क्योंकि आप जाहिर है आप सब मुंतजर हैं जिस हस्ती के उनकी अब हमारे सामने स्पीच होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा और उस पर आपको गौर करना है। उसके बाद आपसे ये गुजारिश है, क्योंकि ये जगह की कमी है लेकिन दिल में कोई कमी पेश नहीं है, थोड़ा सा आप हजरात को उस कमरे को छोड़ के वहाँ तक जाना होगा, चाहे चोरियों में जाए चाहे अकेले जाए, ताकि यहाँ कुछ मेज़ें लगेंगी उन पे अनवा अकसाम के खाने फिर आपके सामने सब। तो उस शायरी की तैयारी के लिए आपसे गुजारिश है, इसके बाद आप वहाँ पर तशरीफ ले जाइए ताकि यहाँ इंतजाम मुकम्मल हो। तो इस शेर के विस्तार रूए सुखन मेरा आपकी तरफ है। सूरज जब मेरी मुट्ठी में होगा, ये सूरज जब मेरी मुट्ठी में होगा, क्योंकि दो किताबों के साथ आप इस शेर को भी याद करके जाएंगे कि ये सूरज जब मेरी मुट्ठी में होगा उजाले बांट दूंगा शहर भर। सामीन ग्रामी हमारे मोहतरम अब्दुल अजीज सफीर मुकर्रम जनाब तारिक अमीर साहब आपके सामने अपना खुद बड़े सवाल पेश करते हैं। तो हम अतन गोश हो जाइए जनाब मोहतरम तारिक अमीर साहब। जिसकी मखलूक़ात बेशुमार हैं और जिसकी बात और तारीफ और तौसीफ़ कभी बयान नहीं कर सकते, चाहे समुंदर स्याही बन जाए और चाहे तमाम कलम बन जाए और इतने ही और आ जाए। आज का दिन मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। उसकी और खुशी की जो सबसे बड़ी वजह मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह की माशाल्लाह अच्छी जितनी महफिल है, अगर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह यहाँ होते तो वो बहुत खुश होते हैं। इसमें हम सब मौजूद हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, इसमें किसी का कोई मज़हब का फ़र्क नहीं है, किसी फिरके का फ़र्क नहीं है, जेंडर का फ़र्क नहीं है, इसमें बच्चे भी हैं खवातीन भी हैं। मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन महफिलों में से है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी महफिलें अटेंड की, आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी के भाई खूबसूरत महफिल हैं। खुशी की बात यह है कि आज आरिफ साना साहब की दो किताबें लॉन्च हो रही हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी बात है, उस मौजू की तरफ मैं आऊँगा। तीसरी खुशी तकरीबन अधूरी रह गई, मेरा ख्याल था कि आज मैं और आरिफ किसाना साहब तकरीरें करेंगे और मेरी बीवियाँ सुनेंगी, लेकिन वो आधी रह गई खुशी। तो खैर, और सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले, बरकत साहब, जमान साहब, सब जमान को तो मैं बहुत अच्छे से कह रहा था कि जमान यू शुड स्टार्ट राइटिंग या कम अज़ कम कुछ तुम अपना तजिया पेश किया करो, तो आज शुक्र है जमान ने वो आप वो पहला स्टेप ले लिया है। बकौले शायर कि आज हम उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे दो चार मुलाकात। ने जो कुछ लिखा है इस किताब में मौजूद है और जो कुछ इसने नहीं लिखा
आरिफ की जात के अंदर है और जो आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। लिखना बहुत मुश्किल काम है, मैं लिखारी रही हूँ और मैंने कोशिश जब की आरिफ की किताब के बारे में कुछ लिखूँ तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये काम आसान नहीं है। और मुझे ये शेर याद आया, किसी बहुत ही बड़े शायर का शेर है कि सहबाए तुंद तेज की हिद्दत को क्या खबर, शीशे से पूछिए जो मजा टूटने का। ये काम आसान नहीं है लिखना और बामकसद लिखना, और हर काम को इस इतने खूबसूरती से लिखना कि वो अगले के दिल में उतर जाए। बकौल इकबाल के दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। आरिफ की जो खूबियों में से जो खूबी मुझे पसंद है वो ये है कि आरिफ के लिखने का जो अंदाज है वो परेशान फिक्री नहीं है, उसमें फिक्र की यकजहती है। और उस फिक्र की यकजहती की वजह ये है कि वो फिक्र जो है इट इज़ डीपली एम्बेडेड इन द होली कुरान, और फिक्र इकबाल से मुस्तार करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि इकबाल पे आगे रुक नहीं रखते, ये मियां मोहम्मद से भी इस्तफादा करते हैं, ये हम सुल्तान बाहू से भी करते हैं, ये बाबा फरीद से भी करते हैं, ख्वाजा फरीद से भी करते हैं, और उसके बियॉन्ड भी बहुत से लोगों से करते हैं इस्तफादा। इनका इल्म जो है आरिफ का वो किताबी नहीं है, इक्तसाबी है। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के जहाँ मौजूद हैं वो खुद गवाह हैं कि आरिफ में जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी है और जो कि एक आगे जाने जो मुझे लगता है कि जिस वजह से मेरा आरिफ के साथ बहुत प्यार भी है, आरिफ में गुरूर नहीं है इल्म का, क्योंकि अगर इल्म का गुरूर आ जाए तो उसको हिजाब अकबर कहा जाता है, और अगर वो हिजाब आ जाए तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। आप शायद बहुत कुछ लिख लेंगे लेकिन आपको वो अल्लाह से दूर करेगा, और अगर आपके अंदर इज्ज़ पैदा कर दे तो वो इल्म नूर बन जाएगा और आपको भी रास्ता दिखाएगा, आपके साथ वालों को भी रास्ता दिखाएगा। ये मेरी कही हुई बात नहीं, ये किसी बहुत बड़े इंसान की कही हुई बात है, मैं सिर्फ यह रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, जो इनकी किताबें में अगर आप देखें, मसलन अफकार ताज़ा, जहाँ ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, किसन को खिश से पैदा नहीं हो, किसन को खिश से होते नहीं जहाँ पैदा, इकबाल से लेना। इकबाल से बहुत सारे लोगों ने मुस्तार लिए हैं अपने टाइटल, अगर आप आज के अखबार उर्दू के उठा के देख लें कम अज़ कम 10 कॉलम नगार ऐसे होंगे जो इकबाल से मुस्तार करते हैं अपने, ये इकबाल की अजमत की निशानी है। लेकिन क्या वो इस हक हक अदा कर सकते हैं कि नहीं, मेरा ख्याल बहुत कम लोग इस चीज़ का हक अदा कर सकते हैं। आरिफ की ये खूबी है कि आरिफ बहुत कमा हक हो उसका हक अदा करने की कोशिश करता है, और ये एक इसकी एक बुनियादी वजह आरिफ का खलूस है, क्योंकि जब तक लिखारी के दिल में खलूस ना हो वो जब तक उसमें जल ना जाए वो उसमें से आगे नहीं आता। मुझे याद है, मैंने ये ऐसे याद आ गया, अचानक शेर पढ़ा था बहुत अरसा पहले, ये है तो पुरानी उर्दू में, लकड़ी जल भई कोयला, कोयला जल भई और आग, मैं पापा नैसी जली कोला भई ना रहा। तो ये जब तक आप इसमें जल नहीं जाते, जब तक आपका खून जिगर इसमें शामिल नहीं है आपकी तहजीबों में, बहुत सारे लोग आए लिखे किताबें लिख के चले जाते हैं, कोड़ियों में मूल भी बात दो किताबें नहीं लिखती, लेकिन जो बात दिल से निकली हुई है वो असर लगती है। आरिफ बेसिकली एक चमुखी लड़ाई लड़ने वाला फाइटर है, अगर वो देखें तो पेशे के लिहाज से तो रिसर्चर, तालीम के लिहाज से रिसर्चर है, और लेकिन उसके लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे मुतनव्वो इनके मौजूआत हैं। किताब देखें, किताब में कुरान और साइंस का आपस में ताल्लुक क्या है, सोशल मीडिया कैसे हमें मुतासिर कर रहा है, हमारे दर्जे दूसरों को कैसे मुतासिर कर रहा है, पाकिस्तान के मसाइल पे लिखते हैं, इन दोनों चीज़ों के दरमियान में लिंकेजेस क्रिएट करना, ये ओरिजिनलिटी ऑफ थाट है। आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी सोच में ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि एक अच्छे लिखने वाले के लिए लाजमी। फिर अगर स्टॉकहोम स्टडी सर्कल को ही देखा जाए वो एक्चुअली असल में इंप्रेसिव चीज़ किताब से भी ज़्यादा इंप्रेसिव है। कॉलम तो आपको जब मिला आपने लिख दिया, लेकिन मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ 94 सेशन हो चुके हुए हैं स्टॉकहोम स्टडी सर्कल के। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, जिसको कहते हैं वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, वो है। और वो जो इतनी डेडिकेशन है वो यकीनन इनकी फैमिली की उसके सपोर्ट के बराबर नहीं है। फैमिली को इंश्योर करना है कि हर महीने के एक मुकर्रर संडे को
वो कमिटेड हैं, क्योंकि उन्होंने मेहमानों के आने के लिए तैयार करना है और उन्होंने उसके लिए एंटरटेन करना है, उनको उनके लिए जो चाय पानी का बंदोबस्त करना है, ये छोटी बात नहीं है। 94 मंथ्स, इंशाल्लाह 100वां सेशन भी होगा और उससे आगे भी बात चलेगी। आर्य के साथ बहुत इंटरेस्टिंग सेशन भी मेरे रहे हैं। मैं जो एक्चुअली लिख के लाया था वो फिर बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो गई, क्योंकि बहुत आप लोगों ने सारी बातें करनी है। तो बात यह है कि ये इनके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशन भी होते रहते हैं और बात चलती रहती है। एक दफ़ा हमारी गुफ्तगू हुई कि जी डॉग हमरशोल्ड जो थे, मेरा ख्याल है कि वो एक सूफी थे। मैंने उनकी वो किताब मार्किंग से बड़ा सब लंबा जमाना हो गया, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे दी, तब तो मैंने नहीं पढ़ी। यहाँ मैंने उसको पिछले साल पढ़ना शुरू कर दिया। इसके लिए कोई आम आदमी नहीं था डॉग हमरशोल्ड, इसकी सोच तो किसी और जगह से आती थी। खैर वो हमने मैंने उस पर स्पीच में जिक्र किया, उन्होंने उस पर बाद में कॉलम भी लिखा। फिर ये हुआ कि अभी हमारे 23 मार्च पे एक खातून आई हुई थी, वो स्वीडिश खातून है और वो खुद सूफी हैं। आपको पता है कि सूफी तहरीक जो है यूरोप में बड़ी स्ट्रांग है। वो लोग अपने आप पूरे तौर पर मुसलमान तो नहीं कहते, लेकिन वो अल्लाह की रहमानियत पर यकीन रखते हैं और सूफी अपने आप को कहते हैं। तो वो एक सूफी खातून है, वो उनसे ज़रा बात जब होने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि यू थिंक डॉग हमरशोल्ड, डू यू नो डॉग हमरशोल्ड वाज़ अ सूफी। तो मैंने उनको अपनी स्पीच दिखाई तो वो उनके तकरीबन आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा यस। और वो कोट वही था जो मैंने अपनी स्पीच में डाला था, वही था कि सबसे बड़ा मुश्किल सफर जो है इंसान के अंदर का सफर, अपने बातिन का सफर है। और मुझे यकीन है कि आरिफ के केस पे ये बातिन का सफर जो है ये शुरू हो चुका है। जाहिर से बातिन का सफर जो है इसकी कोई मंजिल नहीं है, इसमें सिर्फ रास्ते हैं। अच्छा, वो जब उनसे ये फर्दर बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि अच्छा ये आप डॉग हमरशोल्ड, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि डॉग हमरशोल्ड वाज़ अ सूफी। डिक्लेयर नहीं थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ही वाज़ अ सूफी। तो ये देखें कि यहाँ की इस इनके मुल्क की इतनी बड़ी हस्ती जो है वो किससे मुतासर थी। मेरा ख्याल था वो रूमी से मुतासर है, इकबाल से, वो यकीन दोनों से मुतासर। मैं आपके और खाने के दरमियान ज़्यादा खैर नहीं कहना चाहता, कुछ थोड़ी सी बात यह कि ये किताबें अभी बच्चों की किताब जो है माशाल्लाह बोल वो भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत वो मौजूद हैं। हर एक ऐसे को या हर एक आर्टिकल को आप इन डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए शायद अलग वक्त चाहिए होगा। मैं अभी थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात करके अपनी बात सुनना। मेरा ये ख्याल है कि आरिफ जो है अभी ये रंग गुजर गया, इसको अभी इसम व मुसम्मा हो रहा है और इंशाल्लाह ये जरूर हो जाएगा। सलूक से इरफान का ये जो मरहला है ये कठिन है और सबर अदब भी है। कभी इंसान रास्ते की पुरकशिश सर्विस स्टेशन को मंजिल समझते हैं, जबकि वो सिर्फ निशान राह यानी माइलस्टोन होता है। अगर आरिफ की मंजिल वही है जो मैं समझता हूं, तो आरिफ ने अभी जाहिर से बातिन का सफर करना है। अगर उसने साहिब हाल बनना है, अगर उसने सात रंगों से आगे की दुनिया दरियाफ्त करनी है, उस मुकाम को पाने की बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो दो हैं, वो है वफा और इस्तकामत, वो दोनों आरिफ में पाई जाती है। ये कह के और इस शेर के साथ मैं बंद करता हूं, लंबी बात करना गैर मुनासिब होता है। खलास अमल लांग नया गाने को हंस से शाहां ची अजब घर व नवाजन खुदा। और जहां तक आरिफ ने गुरबत कलम का ख्याल रखा है इसका मैं गवाह हूं, मैं पहले से भी पढ़ता हूँ बाद में भी। और मुझे आज जब मैं ये सोच रहा था कल, तो मुझे अपने दोस्त का शेर याद आया जो उसने कॉलेज के ज़माने में कहा था, वो भूल गया था। तो मैंने एक दफ़ा उसको कहा, मैंने कहा तुम्हें याद है तुमने ये शेर कहा था? वो कमाल का शेर है, वो उस ज़माने में इतना सादिक नहीं था जब उसने 70s में कहा था, वो आज बहुत सादिक है। वो शेर है कि यूं सजा देते हैं तहरीर के हथियारों से जिस अखबार के कागज़ का बना हो। तो आरिफ ने अपने आप को इससे बचाया है और अल्लाह करे इससे बचा के रखें किसी स्टेज पे। आई थिंक क्योंकि ये बहुत सारे ही इज वेयरिंग टू मेनी कैप्स एट द स्टेज, मसलन जर्नलिस्ट भी और इंटेलेक्चुअल भी और कुरान को भी, ये शायद किसी वक्त में सिंथेसाइज हो गए, शायद ये बहुत सारे रोल्स जो हैं वो दो या एक रोल में हो जाए। मेरा ख्याल है कि
आफ्टर सम टाइम शायद ये एक रोल हो जाएगा। और बात यह है कि कुरान और कुरान से फिर क्योंकि इकबाल की फिक्र जो है वो कुरान से ड्राइव है, कुरान से जब आप कुरान के पास जाते हैं तो कुरान आपको बेहिदायत नहीं जाने देता, प्रोवाइडेड कि आप कुरान से हिदायत मांग रहे हैं अपनी हिदायत के लिए, ना सिर्फ ना इसलिए कि आपने मौलवी बनना है, ना इसलिए कि आपने जलसों में धुआंधार तकरीरें करनी है, क्योंकि वो खलूस आरिफ में मौजूद है और वो मैंने जो सेशंस अटेंड किए हैं उसमें मैंने वो देखा है कि इट इज़ देयर। तो इंशाल्लाह मुझे कोई ऐसी परेशानी ऐसा डाउट नहीं है कि ज़रूर इंशाल्लाह आपकी मंजिल पर पहुँचेगा। और इसके साथ बहुत सारे और लोग जो हैं जो पढ़ते हैं जो आरिफ के साथ हैं वाबस्ता वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा ये तो मेरी तफ़ीर फॉर्मल पूरी हो गई, अब मैं जवीर अहसद साहब का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने बातों के माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने इंतजामत की और इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की जी। एक तो ये जवीर अहसन है तो उन्होंने अपने नाम की लाज रखी है, खूबसूरती से अहसन तरीके से निभाया सारी बात को। ये फूलों का गुलदस्ता इन्होंने जब जिक्र किया तो मुझे याद आया मेरा एक दोस्त है उसका नाम है जमीन, वो कहने लगा एकदम मैं सुबह पी टी वी का प्रोग्राम रखता देख रहा था तो उसमें अनाउंसर ने कहा उसमें जो खातून थी उन्होंने कहा फूलों का गुलदस्ता, तो उसने कॉल किया कि आपने ये फूलों का गुलदस्ता क्यों कहा है, तो उन्होंने कहा कांटों का होता है क्या गुलदस्ता।